डिफॉर्मेशन केस जो फाइल किया गया है 10 करोड़ का मानहानि का दावा, उस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहन, फ्रेंड, कलीग, पोस्टार तनुश्री जी ने मुझ पर 10 करोड़ का वो जो केस है डेफेमेशन का किया है, मैं एक आज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा सैड हूँ कि क्यों किया है मुझ पर ये केस। पहले शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी तनुश्री दत्ता ने, न्यूज़ चैनल में जाके उन्होंने ये कहा कि मेरा बिगेस्ट इंसल्ट हुआ है कि मेरा रिप्लेसमेंट राखी सावंत को किया, कोई क्लासी गर्ल लेते तो इसका मतलब क्या है, मैं लोअर क्लास हूँ। तनुश्री, आपको लोअर क्लास मुझे कहने का क्या अधिकार था? मतलब ये लंगूर और अंगूर की कहानी है दोस्तों। मैं आज बताना चाहती हूँ, मैं हिंदुस्तान की नारी हूँ और मैं ये स्टोरी मैं कभी किसी को बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन आज मैं हिंदुस्तान को मेरी आप बीती 12 साल पहले की बताना चाहती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। हाँ, मैं अंगूर हूँ और तनुश्री दत्ता लंगूर है, क्योंकि उन्हें यह अंगूर नहीं मिल पाया इसलिए उन्होंने मुझ पर 10 करोड़ का डेफेमेशन का केस किया। बहुत मीडिया खेल रही हैं आप, कंट्रोवर्सी खेल रही हैं। मैं कोर्ट में पेश करूंगी, जा रही है ना, कोर्ट में जा रही है ना। कानून सबके लिए एक समान है। जी, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है, अगर आप जवाब देना चाहें। एजाज खान जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको ड्रग के केस में गिरफ्तार किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत शौक हूँ एजाज खान के लिए। मैं आपको अभी भी कहती हूँ कि नार्को टेस्ट नाना पाटेकर का जी का नहीं, नार्को टेस्ट और ब्लड टेस्ट तनुश्री दत्ता का होना चाहिए। और तनुश्री दत्ता जो है वो एक लड़का है अंदर से टोटली, एंड शी इज अ लेस्बियन। और आप कहेंगे कि नहीं, लेस्बियन क्या होता है, प्लीज इतना मत कहना, ये तो आप भी जानते हैं, लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ करता है। अब मैं इतना भी खोल के बताऊं क्या? अब आप लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही है ना मेरी बात?